सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ सभी नेता अब सबसे बड़ा काम जो है वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करना है, और इसके पहले जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया और बताया गया कि तीन बार की ये बैठक हुई, तीन चरणों में ये बैठक हुई है और उसमें नाम तय हो चुका है। तो आप मुझे धन्यवाद दो, आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं? आपकी पार्टी धन्यवाद सर, कितना वक्त लगा? मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और देखिए इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का, इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप चले जाएंगे तो आपको मुलाकात होगी, पता नहीं डीसीएम कौन बनेगा। थोड़ी बात आप ही चिंता करते रहिए, हमारे यहाँ डीसीएम इनका है। अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई, बोल वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें। अब मुख्यमंत्री के निर्णय अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी, नहीं आप ही सब चीज डिसाइड करते हैं, इसलिए हम पूछ रहे। लेकिन इतना जल्दी पेपर आउट नहीं करूंगा, थोड़ा आप भी इंतजार करिए, मतलब हम पेपर को पढ़ें। आप पढ़ो सर, एक कोशिश की गई है, आधी चेहरे सर। एक सवाल और है, जिस तरीके से कुछ महीने बाद झारखंड में चुनाव है, कुनकुरी जशपुर ये जो बेल्ट है वही बेल्ट है, तो क्या माना जाए वहाँ भी साधने का प्रयास है इस तरीके? नहीं, देखिए कुल मिलाकर के मेरे मन में एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक और लेजिस्लेटिव दोनों अनुभव, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे चुने हुए सारे जनप्रतिनिधियों ने एक ऐसे नाम को हमारे बीच में रखा जो सर्वसम्मति से पास हुआ, इसलिए साधने का तो पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ को क्या साधेंगे, जितना इनका उपयोग होगा उनका उपयोग मैं हर जगह दूंगा, झारखंड ही क्यों लूंगा, अगर जरूरत पड़ी उड़ीसा में ले जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो राजस्थान ले जाऊंगा। तो ये तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी चुनाव से हमारा पहला काम है कि इस प्रदेश को सुशासन में बदले, इस प्रदेश की डॉन स्थिति ठीक करे, इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करे, इस प्रदेश से हर गरीब का कल्याण हो इसकी चिंता करे, इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो इसकी चिंता करे। इसलिए पहली प्राथमिकता होगा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम सुशासन लाए। राजस्थान में भी ऐसे चौंकाएंगे? हो सकता है राजस्थान, क्योंकि मेरे जुम्मे नहीं, इसलिए मैं बहुत ऑफिशियली नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ तो मैंने जो बोला वो किया। अभी नाम चल रहा है वहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, देखिए मैं आपको बुला लूंगा अगर मेरा नाम तो आप हमको तो ओम माथुर थे, और उनका कहना था कि एक प्रशासनिक सांगठनिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है। राजस्थान को लेकर उनका कहना है कि राजस्थान में भी जल्दी ऐसा ही कोई डिसीजन हो सकता है। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, छत्तीसगढ़। ओ माथुर जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, डीसीएम यानी डिप्टी सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये फैसला वैसे तो मुख्यमंत्री का है, लेकिन जब उनसे जोर देकर ये सवाल किया गया तो ओ माथुर ये भी कहते हुए नजर आए कि इतनी जल्दी पेपर आउट नहीं करूंगा, थोड़ा आप भी पढ़ाई कर लीजिए। तो ये कुल मिलाकर ये इस बात पर मुहर लगती है कि डिप्टी सीएम जो है उसका नाम भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तय हुई है कि डिप्टी सीएम भी छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा, और ये बात अंदर खाने से निकलकर पहले भी आ चुकी है। ओ माथुर ने इस पर मुहर लगाने का काम किया है, उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी पेपर आउट अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके पहले बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा मिल गया है, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। तो देखिए अभी तो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, प्रतिक्रिया की बारी है, प्रतिक्रिया एक बार फिर से विष्णुदेव साय के आदेश। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां बैठक, छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है, और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं, और ऐसे अवसर में मैं
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। तो छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ओपी चौधरी ये कहते हुए नजर आए। और साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय का मान बढ़ा है। अरुण साहब ने कहा कि पीएम की छत्तीसगढ़ को लेकर गारंटियां हैं, विकास के काम में तेजी आएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। रमन सिंह मुख्यमंत्री खुद रह चुके हैं और रेस में उनका भी नाम था, लेकिन आखिरकार सर्वसम्मति से यह फैसला हो गया। छत्तीसगढ़ के नए सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं, विधायक भी रहे हुए हैं, 3 बार के विधायक रहे हुए हैं। कुनकुरी से इस बार चुने गए थे और 2020 से लेकर 2022 तक वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद अरुण साहब को जिम्मेदारी उनसे लेकर दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप इस पर कुछ ना बोलते हुए चुपचाप ये जिम्मेदारी आगे ट्रांसफर कर दी थी और फिर कार्यकर्ता की तरह जैसे वो काम कर रहे थे वैसे ही वो काम करते रहे और उसी का ये कह सकते हैं कि इनाम उन्हें मिला है। पार्टी ने और विधायकों ने उन पर भरोसा भी जताया है। अब शपथ ग्रहण की तारीख का इंतजार है। इसके पहले शपथ ग्रहण की तारीख जो तय होगी उसके पहले अभी राज्यपाल के पास जाएंगे। देखिए ये जश्न मनाया जा रहा है, उनके गृह क्षेत्र में भी जश्न की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ रायपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर भी जश्न का माहौल है। लेकिन अभी राज्यपाल के पास जाएंगे। देखिए उनकी माताजी की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, उनकी माताजी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई थी, वे बेहद खुश नजर आ रही थी। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय जो है उनका छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए काम करेंगे। ओपी चौधरी का कहना है कि प्रायोरिटी तय है और एक अच्छा नेता मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। प्रायोरिटी के तौर पर बता रहे हैं पीएससी घोटाले जैसे जांचों की जल्द घोषणा कर दी जाएगी। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इस पर लेकिन पेपर अभी जल्दी से आउट नहीं किया जाएगा, ओम माथुर ये कहते हुए नजर आ रहे थे। और ओम माथुर ने उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो किया था वो मैंने कर दिया है, वादा पूरा कर दिया है और छत्तीसगढ़ के आम आदमी का विकास होगा, छत्तीसगढ़ के गरीब का विकास करने के लिए सरकार बीजेपी की सरकार आई है। सबसे पहले वादा जो किया है 18 लाख आवास का, उसका जिक्र विष्णुदेव साय भी करते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नजर आए। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल किया कि सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 18 लाख आवास देने का जो वादा हमने किया है उसको पूरा करने का, उसको निभाने का काम हम करेंगे। दूसरी तरफ आप सकते हैं कि कुनकुरी में जहां से वे चुनकर पहुंचे वहां पर भी जश्न का माहौल है, वहां पर भी पटाखे छोड़े जा रहे हैं। उनकी माताजी का भी लोगों ने अभिनंदन स्वागत किया है और साथ ही साथ उनका मुंह मीठा कराया। तो जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता भी बाहर जश्न मनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। नेता जो है वो प्रतिक्रिया देते हुए अब अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब इसके बाद जो है अगला टास्क ये है कि राज्यपाल के पास पहुंचना है और सरकार बनाने का दावा पेश करना है। उसके बाद तारीख तभी तय हो जाएगी कि कब सरकार का गठन होगा और फिर तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा। डिप्टी सीएम के नाम पर तब मुहर लगेगी, लेकिन इसके पहले विष्णुदेव साय जो हैं वो पार्टी का आभार जता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं, बीजेपी के विधायक जिन्होंने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना है, विधायक दल का नेता चुना है, तो उनका आभार वे जताते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त पार्टी का कार्यकर्ता जश्न में पूरी तरह से डूबा हुआ है। पार्टी कह रही है कि हमने सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया है। तो विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा और छत्तीसगढ़ में इस बात की मांग हमेशा से होती आई है कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसी आदिवासी नेता के हाथ में होना चाहिए और बीजेपी ने इस मामले में बाजी मार ली है। बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को ही प्रदेश की कमान सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नए सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है और सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया है। लता उसेंडी क्या कह रही हैं सुनते हैं। तो तमाम नेता जो हैं वो प्रतिक्रिया देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बैठक चल रही थी और अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है इस फैसले से। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी पीएम की गारंटी है, ये भी कहते हुए नजर आए विकास के काम में अब तेजी आएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा जताया। डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। ये बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो बैठक चल रही थी पार्टी कार्यालय में। आखिरकार
वो समाप्त हुई और पार्टी ने जनता की सेवा का अवसर दिया है, यह विष्णुदेव साय ने कहा है और कहा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम बना दिया जिसका जिक्र किया था। अमित शाह ने अपनी रैलियों में सभी विधायकों को धन्यवाद देते हुए विष्णुदेव साय नजर आए, समर्थन दिया है और सरकार बनी है। मुझे लगता है कि एक बेहतर चयन हमारे पर्यवेक्षकों ने किया है, विधायक दल ने अपना नेता चुना है और निश्चित रूप से एक बहुत सरल व्यक्ति के रूप में सबको साथ लेकर चलेंगे, इसकी उम्मीद है। अनुभव में कमी नहीं, दो बार विधायक, चार बार सांसद हो रहे हैं और प्रदेश का संगठन उन्होंने दो दो तीन तीन बार संभाला है, तो मुझे लगता है एक उचित चयन है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल का अनुभव, उनका मार्गदर्शन लेकर सभी वरिष्ठ साथी हैं, 8-8, 7-7 बार उनका सहयोग लेकर मुझे लगता है कि एक बेहतर चयन हुआ है, अच्छी तरीके से प्रदेश चलेगा और केवल 6 महीनों के अंदर में प्रदेश की जनता देखेगी कि भूपेश बघेल का राज क्या था और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में बीजेपी का राज क्या है, ये मूल अंतर दिखाई देगा। कांग्रेस ने सरगुजा को धोखा दिया था, एक बार सीएम सिर्फ बता के और बाद में सीएम नहीं बनाया, तो क्या देखिए कांग्रेस की फितरत ही धोखा देना है और ये है कार्यकर्ताओं की पार्टी। लोग सोचते हैं बड़े लोग बनेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी आम कार्यकर्ता जो बेहतर तरीके से संगठन का काम करता है, पार्टी का काम करता है, पार्टी पर विश्वास रखता है, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। ये आज इसके निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से ये सिद्ध हुआ है। तो डिप्टी सीएम की भी बात है, ये क्या डिप्टी सीएम कौन आने वाला है, क्या फैसला हुआ है, विधायक दल की बैठक हुई है? नहीं, ये सब हमारा ये जो नेतृत्व है, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, हमारा संगठन तय करेगा कि अब मुखिया का चयन हो गया है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, जो टीम है, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। आदिवासी मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से बने, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और विशेष रूप से इस बात के लिए खुशी है कि सरगुजा संभाग से हैं सामान्य विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी कई बार विधायक, सांसद और भारत सरकार में भी उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 बार वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, तो काफी अनुशासित और अनुभवी नेता है और उनके अनुभव का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर कुछ फैसला हुआ है? नहीं, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और कोई फैसला नहीं। ये थे रेणुका सिंह जी, जिन्होंने आदिवासी सीएम को लेकर कहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी खुशी की बात है कि बीजेपी में आदिवासी सीएम बन गया। मंत्रिमंडल को लेकर भी जल्द फैसला होगा। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि कुनकुरी के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। तो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जो हो गए हैं अब वे भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल लिख रहे हैं कि कुनकुरी के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। तो शुभकामनाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, साय को कमान सौंप दी गई है और इसी के साथ अब अगली अगर तैयारी की बात की जाए तो अब विधायक दल जो है वो जाएगा राजभवन और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। देखिए आ गया ट्वीट, आ गया न्यूज 18 पर, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। डिप्टी सीएम को लेकर सर बाकी बाद में चर्चा करेंगे, तो ये थे धर्मलाल कौशिक जी, जिन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा अभी होना बाकी है, वो भी जल्द फैसला होगा। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो डिप्टी सीएम को लेकर अभी बाद में, केवल आदिवासी नेता नहीं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, वर्षों संगठन में और सरकार में काम किए हैं और उनके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। सर आप वरिष्ठ नेता, एलओपी भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन, सर तो आपको क्या लगता है, आपको डिप्टी सीएम की भी बातें चल रही है? देखिए डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बाकी सब बनेंगे, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी ने पहले किया है हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहला कार्य क्या करेगी कैबिनेट में? कैबिनेट में सबसे पहले जो जनता से किए हुए वादे हैं उन वादों को लेकर के आएंगे और उसके अनुसार से आगे बढ़ते जाएंगे। सर सब लोग खुश हैं विष्णुदेव साय जी को बनाने, निश्चित रूप से सर सब तो नहीं, नेताम जी कहीं नाराज हो गए? कहीं कोई नाराज नहीं है और नाराज होने का कोई कारण नहीं है, वरिष्ठ हैं, वर्षों काम किए हैं। भैया बधाई है।
तो कोई नाराजगी की कोई कारण नहीं है और नाराजगी की कोई वजह नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है पार्टी में, सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है, ये धरमलाल कौशिक जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है, डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें सामने आ रही थी उस पर अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये आपको बता दें कि ओपी चौधरी ने माननीय विष्णु दोसा जी का विधायक दल का नेता चुना गया है और वो संगठन के कई पदों पर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के एक संगठन नीचे स्तर कार्यकर्ता को भी वो पहचानते हैं और निश्चित तौर पर उनके मुख्यमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ के एकक कार्यकर्ता को बहुत उत्साह होगा क्योंकि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा घूमे हुए, छोटे से बड़े सब कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, व्यक्तिगत रूप से चेहरा इस नाम से जानते हैं, अधिकांश को नाम से भी जानते हैं। तो और निश्चित तौर पर एक सीधा साधा सज्जन व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मिला है तो हम सबके लिए गौरव और अच्छी बात है। देखिए मुख्यमंत्री को शपथ लेने दीजिए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनका सबके ऊपर जांच होगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ने बधाई दे दी है विष्णुदेव साय को, और भूपेश बघेल ने तो ट्वीट भी कर दिया है कि आप जो छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो उसके लिए आपको बहुत बधाई और विकास की गारंटी है पीएम की, छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी प्रधानमंत्री ने जो दी है उस गारंटी को पूरा करने का काम विष्णुदेव साय करेंगे, ये सभी बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल की बात हो, चाहे ओपी चौधरी की बात हो। और देखिए कार्यकर्ताओं में कितना जश्न है, कितनी खुशी है इस फैसले के बाद, उस सभी में उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और विधायकों का भी आभार जताया है विष्णुदेव साय ने। और अब शपथ ग्रहण के तारीख का इंतजार है, कब शपथ ग्रहण होता है छत्तीसगढ़ के नए सीएम और सबसे पहले आदिवासी सीएम। देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, कोई ढपली लेकर बजाता हुआ और खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है, तो कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं, मालाओं से स्वागत किया जा रहा है विष्णुदेव साय का। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, बीजेपी दफ्तर के भीतर की तस्वीर, बैठक समाप्त हुई और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है जिसमें प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीन पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर जो भेजे गए थे वे भी यहाँ पर, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर नजर आ रही है और स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। साय को कमान सौंप दी गई है और देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय जिनको कई सारे पदों पर रहने का अनुभव है, चाहे वो बतौर विधायक हो, चाहे बतौर वो सांसद हो, चाहे वो बतौर केंद्रीय मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष भी वे रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहने के नाते वे एक एक कार्यकर्ता से परिचित हैं, एक कार्यकर्ता की क्षमता को भी वे बखूबी जानते हैं। कमान सौंपी गई है लेकिन कमान सौंपने के साथ ही छत्तीसगढ़ में जो आने वाला चुनाव जो है, छत्तीसगढ़ ही पूरे देश के लिए जो लोकसभा का चुनाव है उसकी अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी अब एक बड़ी परीक्षा होनी है और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी चाहती है कि सभी सीटों को जीतकर बीजेपी की ताकत को और बढ़ाया जाए। विष्णुदेव साय इसमें अहम भूमिका निभाते हुए जरूर नजर आएंगे क्योंकि उनके ऊपर सीएम बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा की सभी सीटों को जिताने की भी बन जाती है। आदिवासी चेहरा है और छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य कहलाता भी है और ऐसे में अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। उन्होंने भी कहा है कि जैसे ही ये जिम्मेदारी मिली है अब सबसे पहले तो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ को जो मिली है और इसमें 18 लाख आवास देने की बात जो कही गई है उस गारंटी को पूरा करने का काम किया जाएगा। उत्साह कितना चरम पर है, जोश कितना चरम पर है और
नारे लगाते हुए और ढोल नगाड़े बजाते हुए डफली बजाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और विष्णुदेव साय को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खुशी जताते हुए नजर आ रहे देखिए जनता का ये बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी को हटा करके लिमिटेड सीट पे उनको करके भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत के साथ जिताया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बहुत फेयर काम करती है और उसी तरीके से आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार जो फैला के रखी कांग्रेस उसको खत्म किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो हैं उन्होंने भी कह दिया है कि मेरा काम था और मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा और उन्होंने ये भी कहा था जब आपको याद होगा कि जब चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद दावे पार्टी अपने अपने दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है फिर से सरकार बनाएगी और जरूर सरकार बनाएगी और उसके बाद उन्होंने आ करके और पत्रकारों से भी ये कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है और जितनी सीटें उन्होंने बताई थी उतनी ही सीटें बीजेपी ने हासिल भी की है। उन्होंने इसके पीछे कहा कि मैंने जमीन पर जाके काम किया है कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है और इस बात का मुझे पूरा इल्म था पूरी जानकारी थी और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि यही होने वाला है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा हुआ वो नजर आ रहा था उनको और उन्होंने जो कहा वो किया। आज भी वो यही कहते हुए नजर आए कि मैंने जो कहा था वो किया है और विष्णुदेव साय के नाम पर जब मुहर लगी है तो तमाम बातें याद आ रही हैं। जब अमित शाह आए थे कुनकुरी में उन्होंने सभा की थी तब उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की थी और ये कहा था कि आप इन्हें जिताइए इन्हें जिताकर विधानसभा भेजिए मेरा वादा है मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा और आज इस पर फैसला हो चुका है। विष्णुदेव साय बेहद सौम्य नेता के तौर पर उनकी पहचान है और कई सारी जिम्मेदारियों को वे निभा भी चुके हैं। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और 2020 से लेकर 2022 तक वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद ये कमान उनसे लेकर के अरुण साव को सौंप दी गई थी। हालांकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था लेकिन फिर भी पार्टी का फैसला उन्होंने बिल्कुल सर झुकाकर माना और पार्टी के फैसले के साथ वे चलते रहे और काम भी करते रहे जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी और आज उसका एक प्रकार से उसकी परिणति है उसका नतीजा है या उसका इनाम कह लीजिए वही यहां पर देखने को मिल रहा है। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है और इसी के साथ जाहिर सी बात है कि आदिवासी अंचल जो है छत्तीसगढ़ के वहां पर भी खुशी का माहौल है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ये मांग की जाती रही है कि छत्तीसगढ़ का कोई अगर चेहरा होना चाहिए बतौर मुख्यमंत्री तो वो आदिवासी होना चाहिए। नंदकुमार साय आपको याद होंगे नंदकुमार साय जब बीजेपी में थे तब वो इस बात की मांग पुरजोर तरीके से उठाते रहे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने तो पार्टी बदल ली और अब पार्टी उनके बदलने के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी है बीजेपी ने फैसला तो यही किया है कि छत्तीसगढ़ की कमान जो है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व अब आदिवासी के हाथों में होगा आदिवासी चेहरा ही छत्तीसगढ़ का चेहरा होगा ये फैसला आज ले लिया गया है। इसके साथ ही अब राज्यपाल से मिलने पहुंचने का पहले समय लिया जाएगा और वहां पर फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा चाहे ओपी चौधरी हो बृजमोहन अग्रवाल हो या फिर लता उसेंडी हो। इसके अलावा रेणुका सिंह की प्रतिक्रिया हमने यहां पर सुनी और उन्होंने भी कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर फैसला जो है वो बाद में होता रहेगा लेकिन आज जो फैसला लिया जाना था जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी वो फैसला था कि छत्तीसगढ़ का चेहरा कौन होगा और अच्छी बात यह है कि सभी विधायकों ने एक सुर में एक साथ एक ही नाम पर मुहर लगाई और वो नाम है विष्णुदेव साय का और प्रफुल्लित कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर विष्णुदेव साय का जो क्षेत्र है उनकी माता जी हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है ये देश वीर जवानों का गाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता डफली बजाते हुए जश्न मनाते हुए ढोलक की थाप पर नाचते हुए पटाखे छोड़ते हुए कुनकुरी से भी तस्वीरें आई जहां पर कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी माता जी का भी स्वागत अभिनंदन किया गया और उनका भी मुंह मीठा कराया गया उनको भी फूलमाला से उनका स्वागत किया गया। इधर विष्णुदेव साय का भी स्वागत करते हुए पार्टी कार्यालय में तमाम नेता नजर आ रहे हैं। तीन ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे और बताया गया कि तीन अलग अलग पालियों में ये बैठक हुई है तीन बार ये कुल मिलाकर एक बैठक तीन चरणों में हुई है और उसमें ये फैसला ले लिया गया कि छत्तीसगढ़ का
चेहरा कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और विष्णुदेव साय यहाँ पर नजर आ रहे हैं, गाड़ी के बाहर उनका स्वागत करते हुए कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और पार्टी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं सुनते हैं। वो साफ साफ देखा जा सकता है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया का चिमावड़ा यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है और ज्यादा अभी बातचीत करने की स्थिति में विष्णुदेव साय भी नहीं है क्योंकि वहां पर कार्यकर्ताओं का भी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसीलिए विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि आराम से इत्मीनान से बात की जाएगी आप लोगों से मीडिया कर्मियों से। लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात में सबसे पहले जब उनसे सवाल किया गया कि सबसे पहला फैसला आपका क्या होगा, आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने पहले तो खुशी जताई, आभार जताया, अपनी पार्टी का आभार जताया, अपने विधायकों का आभार जताया, प्रधानमंत्री का, केंद्रीय नेतृत्व का, ऑब्जर्वर्स का आभार जताया, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सबका आभार जताया, कार्यकर्ताओं का आभार जताया कि एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत। और साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले फैसला अगर होगा तो वो फैसला होगा छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास देने का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है और सारी गारंटियों को पूरा करने का काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार, इस बार बीजेपी की सरकार करने वाली है। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का कितना जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है और इसी के साथ सुरक्षा जो है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम कर रही है। सुरक्षा के लिए जो जवान हैं, सिक्योरिटी के जवान जो हैं, वो यहाँ पर कमान संभाल चुके हैं क्योंकि अब तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है, तो ऐसे में उनको सुरक्षा घेरा भी प्रदान कर दिया गया है। अब यह काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ एकात्म परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम, कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का जश्न है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और सब ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सबका एक दूसरे को बधाई दी है और फैसले पर एक साथ थिरकते हुए कार्यकर्ता नजर भी आ रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये आपको हम दिखा रहे हैं एकात्म परिसर के बाहर की। अब यहाँ से जब नेता एक एक करके रवाना हो रहे हैं तो यहाँ पर माहौल भी ज़रूर जो है वो पहले जो उत्साह था वो ज़रूर ठंडा पड़ चुका है क्योंकि अब नेताओं के यहाँ से रवाना होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसके पहले ओपी चौधरी हों, चाहे जिन्होंने जीत इस बार दर्ज कर ली है और कलेक्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी के नेता भी हैं, उनका भी नाम चल रहा था कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ नई ऊँचाइयों को छुएगा। अरुण साहब ने कहा कि मोदी की गारंटी जो है अब वो छत्तीसगढ़ को जो मोदी की गारंटी थी उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बधाई विष्णुदेव साय को दी है और साथ ही साथ रमन सिंह ने ही ये प्रस्ताव रखा था। देखिए बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, अरुण साहब ने इसका समर्थन कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका खुद का नाम शामिल था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा था विधायक दल की बैठक में और इस प्रस्ताव का समर्थन अरुण साहब प्रदेश अध्यक्ष ने किया और उसके बाद सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, इस पर फैसला हो चुका है और उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और सभी विधायकों ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। पूर्व सीएम ने इस बात का प्रस्ताव रखा था और नाम रखा था डॉक्टर रमन सिंह ने कि नाम होना चाहिए विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करे और अरुण साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस प्रस्ताव के ऊपर अपना समर्थन दे दिया और इसके साथ ही मुहर लगने का काम हुआ विष्णुदेव साय के नाम पर। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, पार्टी ने कमान सौंप दी है विष्णुदेव साय को। बड़ी खबर, उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो भी आपको दिखा रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं, कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं, संगठन के कामकाज से बखूबी परिचित हैं, प्रशासनिक कामकाज को भी अच्छे से समझते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायिका को भी समझते हैं क्योंकि विधायक भी रह चुके हैं, तो कई सारी जिम्मेदारियों को संभालने वाले विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नई जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई थी, 3 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए जिसमें अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल शामिल थे और 3 ऑब्जर्वर्स आए थे जिनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई। डॉक्टर रमन सिंह देख सकते हैं आप तस्वीरों में,
उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था। विष्णुदेव साय के नाम पर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा, प्रदेश अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव का समर्थन कर डाला और इसके साथ ही विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए। प्रधानमंत्री का आभार जताया, विधायक दल का आभार जताया, प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया, प्रदेश प्रभारी का आभार जताया, तीनों ऑब्जर्वर्स का आभार जताया और कार्यकर्ताओं का सबसे प्रमुख रूप से आभार जताया। कहा कि सबसे पहले फैसला जो लेना है वो गारंटियां जो दी गई हैं, मोदी की गारंटी जिसे नाम दिया गया था, छत्तीसगढ़ को मोदी ने जो गारंटी दी है उन गारंटियों को पूरा करने का काम किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर से कानून का राज स्थापित होगा, ये वो कहते नजर आए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले सीएम चुने जाने पर शुभकामनाएं दे रहे हैं विष्णुदेव साय को। उन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया साइट एक्स पर, उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय को बहुत बहुत बधाई, नवा छत्तीसगढ़ के विकास को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, वो भी बाकायदा नजर बनाए हुए थे कि बीजेपी की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और इस बैठक में फैसला हो चुका है और अब बीजेपी में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन साथ ही साथ अब तैयारी करनी है राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश करने की, सरकार के गठन के लिए तारीख तय होगी, शपथ ली जाएगी, मंत्रिमंडल की तैयारी होगी। अब समय कम है क्योंकि लोकसभा बिल्कुल सामने है और ऐसे में कई सारी जिम्मेदारियां केवल विष्णुदेव साय के कंधों पर, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आगे आने वाले जो चुनाव है लोकसभा के उसके लिए भी, छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीटें हैं उन सभी को जिताकर देने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के बात जो हुई उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, ये कहते हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी नजर आए और तमाम विधायक नजर आए। मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन कौन शामिल होगा, इसके बारे में किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कहा कि अभी इस पर फैसला होना बाकी है। और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि अभी तो नाम तय हो गया, अब इसके बाद राज्यपाल के पास भी जाना है और सरकार बनाने का दावा भी पेश करना है, तो ये सारी खबरों को हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।